हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। बेसिकली हम कुछ बेस्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बेस्ट। तो मेरे पास किंडर जॉय के दो स्पून पड़े थे, मैं उसको यूज़ करके इयररिंग बनाने वाली हूँ। यस एक्जैक्टली, जो आपने सुना एकदम सही सुना, इससे मैं इयररिंग बनाऊंगी। तो मेरे पास कुछ रेड कलर के क्लॉथ पड़े थे, सो बेसिकली मैं उसको कट करके एक बेस बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ किंडर जॉय स्पून। तो सबसे पहले तो मैं जो रेड कलर का मेरे पास क्लॉथ था, मैं उसको कट कर रही हूँ, जितना मुझे चाहिए एग्जैक्टली उतना ही। तो मैं कट करने के बाद अभी किंडर जॉय का जो स्पून है उसमें मैं उसको अटैच कर दूँगी प्रॉपरली, लाइक एक बेस बना दूँगी, जैसे कि हम कवर लगाते हैं वैसे ही। तो उसके लिए हमें साइड से हर एंगल से कट करना पड़ेगा, सो दैट जब हम ग्लू बीच में लगाएं तो वो प्रॉपरली अटैच होके रहे। सबसे पहले मैं साइड कॉर्नर से हर एंगल से कट कर रही हूँ। कट करने के बाद अभी हम बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ग्लू जो भी हमारे कट पोर्शन से कटे हुए पोर्शन से उसको हम अटैच कर देंगे विद इन द यू नो किंडर जॉय स्पून। तो सबसे पहले हमारा जो ग्लू है हम इसे प्रॉपरली स्प्रेड करेंगे इन द किंडर जॉय स्पून। तो हर एंगल में स्प्रेड करने के बाद फिर ही हम जो हमारे क्लॉथ है उसको अटैच करेंगे बेस बनाने के लिए। सो अभी एज यू कैन सी, मैंने ग्लू प्रॉपरली स्प्रेड करने के बाद जो क्लॉथ है मैं क्लॉथ को प्रॉपरली अटैच कर रही हूँ। तो बेसिकली एक एवोकाडो का हमारा जो शेप है वो बनने वाला है एट द एंड, सो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड। अभी हमें बेसिकली बैक पोर्शन जो है उसको कवर करना है। तो उसके लिए एग्जैक्टली जितना क्लॉथ चाहिए मैंने एग्जैक्टली उतना कट करके रखा हुआ है। सो अगेन मैं ग्लू अटैच करूँगी लाइक पीछे की ओर। तो ग्लू प्रॉपरली अटैच करने के बाद जो मेरे पास एक्स्ट्रा क्लॉथ था जो मैंने कट करके रखा हुआ था उसको मैं प्रॉपरली अटैच कर दूँगी, सो दैट पीछे का अनइवन या ऑड ना दिखे। तो एज यू कैन सी मैंने उसको प्रॉपरली अटैच कर दिया है। ग्लू है लेकिन वो थोड़े टाइम बाद ऐसे भी ठीक हो जाएगा। सिमिलरली दोनों साइड मैंने बना के रखे हुए हैं। अब मेरे पास कुछ यू नो एक्सेसरीज थे, नॉट एक्सेसरीज, ये भी मैंने ही बनाए थे। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो ये सब भी मैंने ऑलरेडी बना के रखे थे। तो बेसिकली मैं इन्हें बस यूज़ करने वाली हूँ मेरा इयररिंग बनाने के लिए। तो एज यू कैन सी सबसे पहले मैं एवोकाडो का जो हमारा इयररिंग है उसके एकदम बेस में, एकदम बॉटम में मैं सर्कुलर क्राफ्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था वो अटैच करूँगी। और एज आपने गेस ही कर लिया होगा कि मैं ऊपर कौन सा क्राफ्ट यूज़ करने वाली हूँ। सो बेसिकली मैंने सर्कल जो है वो ऐड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। अभी अगेन विद द हेल्प ऑफ ग्लू आई एम गोइंग टू अटैच द अदर क्राफ्ट इन द अपर साइड ऑफ द इयररिंग। सो उसके लिए भी मैं ग्लू अटैच कर रही हूँ और जो बाकी का जो मेरा क्राफ्ट है वो मैं ऊपर की साइड डालने वाली हूँ। एंड इफ़ यू गाइज आर वरीड अबाउट द ग्लू तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक बार आपने यू नो क्राफ्ट अटैच कर दिया तो ग्लू जो है अभी वो वाइट दिख रहा है आपको, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल बी गॉन, वो थोड़े टाइम बाद ट्रांसपेरेंट ही हो जाएगा। तो बेसिकली आपको एट द एंड रेड कलर का ही बेस दिखने वाला है। सो सिमिलरली मैंने दूसरा भी बना के रखा हुआ है एज यू कैन सी। तो अभी हमें बस एक हुक ऐड करना है एट द बैक ऑफ द इयररिंग। तो उसको ऐड करने के लिए भी मैं वो क्लॉथ ही यूज़ करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू, मैं उसको अटैच करूँगी। तो बेसिकली ये हम इसके लिए अटैच कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हो वो जो होल है उसमें हमें हुक ऐड करना होगा, जो हुक हम इयररिंग में डालते हैं और हम विद द हेल्प ऑफ दैट वी यूज़ इट टू वियर आर इयररिंग्स। सो बेसिकली अभी मैं ग्लू के हेल्प से उसको अटैच कर रही हूँ, हुक अटैच कर रही हूँ। मीनवाइल अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी फाइनली हमारा जो सर्कुलर हुक जो था, लॉन्ग हुक जो है वो मैं अटैच कर रही हूँ इयरिंग बैक ऑफ द इयरिंग में, जिसको कि हम बाद में यूज़ करेंगे हुक अटैच करने के लिए। सो मैं थोड़ा सा पोर्शन ऊपर रख के बाकी के जो है उसको विद द हेल्प ऑफ ग्लू एंड क्लॉथ मैं उसको प्रॉपरली अटैच करूँगी। और अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा पोर्शंस है वो मैं कट कर दूंगी, सो दैट उसका बेस प्रॉपरली बने और वो अनइवन ना दिखे बाद में। सो हमारा इयररिंग जो है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है एज यू कैन सी। सो एज आई सेड अर्लियर हमारा जो इयररिंग का हुक है वो मैं अटैच कर रही हूँ, मुझे अटैच करना है तो हमारा जो फाइनल इयररिंग है वो बन के रेडी हो जाएगा। सो बेसिकली नीचे वाला जो हुक था मैंने उसको थोड़ा सा सर्कल से थोड़ा सा मैंने उसको निकाल दिया था सो दैट मैं हुक जो है वो प्रॉपरली अटैच कर सकूँ। तो अभी मैंने अपना हुक अटैच कर दिया, उसको थोड़ा सा टाइट कर रही हूँ। सिमिलरली मुझे दूसरे साइड भी करना है तो
दूसरी साइड जो है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है और एंड इट इज़ लुकिंग रियली गॉर्जियस। आप ये किसी भी फंक्शन में पहन के जा सकते हो, ये लहंगा के साथ भी अच्छा लगेगा, सूट्स के साथ भी अच्छा लगेगा। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट इन एनी फंक्शन। सो आई होप यू विल लाइक इट, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।